नमस्कार, अनारा सीरीज शुरू हो चुकी है हमारे चैनल पे। आप रहे हैं और अनारा सीरीज पे और भी वीडियोज अभी आ रही हैं और आ रही हैं, एडिटिंग वगैरह खुद हो रहा है। हम आज लाइव आपके सामने इसलिए आए हैं कि हमारी टीम इस समय है उड़ीसा में अनारा सीरीज के साथ ही, या फिर अनारा सीरीज के फाइट भी आपको उड़ीसा की भी सीरीज मिलने वाली है। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा आप। ऐसे ऐतिहासिक मंदिर है जो सदियों से लोगों के आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। इन्हीं में से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर, यह भारत के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है जो उड़ीसा के जगन्नाथ पुरी से 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कोणार्क शहर में स्थित है। यह मंदिर उड़ीसा की वास्तुकला का अनोखा नमूना है और इसी कारण से वर्ष 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। वैसे तो यह मंदिर अपनी पौराणिकता और आस्था के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन इसके अलावा और भी कई उज्जवल हैं जिनकी वजह से इस मंदिर को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग यहां आते हैं। लाल रंग के बलुआ पत्थरों और काले खड़ी के पत्थरों से बने इस मंदिर का निर्माण अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यह 1238 से 64 ईसा पूर्व गंग वंश के तत्कालीन सामंत राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। वहीं कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने बनवाया था। कोणार्क का मुख्य मंदिर तीन मंडपों में बना है। इनमें से दो मंडप ढह चुके हैं, वहीं तीसरे मंडप में जहां मूर्ति स्थापित थी, अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पूर्व ही रेत और पत्थर भरवा कर सभी द्वारों को स्थायी रूप से बंद करवा दिया था ताकि मंदिर और मंदिर न हो पाए। एक समय में समुद्र यात्रा करने वाले लोग इस मंदिर को ब्लैक पगोडा कहते थे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह जहाजों को अपनी ओर खींच लेता था जिसकी वजह से वो तहत हो जाते थे। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर के शिखर पर 52 टन का एक चुंबकीय पत्थर लगा हुआ था जिसके प्रभाव से वहां समुद्र से गुजरने वाले बड़े बड़े जहाज मंदिर की ओर खींचे चले आते थे जिससे उन्हें भारी क्षति हो जाती थी। कहते हैं इसी कारण से कुछ बायुक उस पत्थर को निकालकर अपने साथ लेकर चले गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार 52 टन का वो पत्थर मंदिर में केंद्रीय शिला का काम कर रहा था जिससे मंदिर की दीवारें के सभी पत्थर मंदिर में थे, लेकिन इसके हटने के कारण मंदिर की दीवार का संतुलन खो गया और इसकी वजह से दीवारें गिर पड़ी। हालांकि इस घटना का कोई ऐतिहासिक विवरण नहीं मिलता है और न ही इस मंदिर में किसी चुंबकीय पत्थर के अस्तित्व का ही ब्यौरा कहीं उपलब्ध है।